हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाए और 7, 11, 15 इन तीनों में से रिमाइंडर बच जाए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले करना है कि आपने इन तीनों नंबर्स में से ना 7, 11 और 15 माइनस करना है, देन जो तीनों नंबर्स निकल के आएंगे उन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले इन तीनों में से ये तीनों नंबर्स माइनस कर देते हैं। 398 में से माइनस करेंगे 7, बचेगा 391। 436 में से माइनस करेंगे 11, ये बचेगा 425। 542 में से माइनस करेंगे 15, ये बचेगा 527। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इन तीनों नंबर्स के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले 391 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 425 के, फिर 527 के। 391 के फैक्टर्स आएंगे 17 × 23, 425 के फैक्टर्स आएंगे 25 × 17 यानी 5² × 17, 527 के फैक्टर्स आएंगे 17 × 31। अब इन तीनों में हमें कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं, बिकॉज हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें तीनों में से कॉमन नंबर चेक करना होता है जो कि 17 आ रहा है। वैसे तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर वाला कॉमन फैक्टर, बट यहां पे बात करें तो 17 में सेम ही पावर है सब में और 17 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 17। इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 17।